सो तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हां प्रशासन वल्लों रोकण दे लई जिहड़ी बैरीकेडिंग आ उह कीती गई आ उहनां नूं रोकण दे लई प्रशासन ने अपना जिहड़ा उह कीता है। सो प्रशासन दे नाल धक्का मुक्की प्रशासन दा नाका है जिहड़ा तोड़ के जिहड़े धरनाकारी ने उह अगे वध रहे ने। सो अगे आ जाओ तो पुलिस प्रशासन का धरना है जिहड़ा उह तोड़ दिता गया है। उधर दिखा दो उधर सो इधर दिखा दो पुलिस प्रशासन का धरना है जिहड़ा उह तोड़ दिता गया है। रोड आ जिहड़ा उह जाम कर दिता गया है। तुसी देख रहे हो तस्वीर रोड आ ते गड्डियां ने जिहड़ियां उह रोक दित्तियां गईयां ने। देखो बहुत जिहड़ा हलीमी दे नाल बिल्कुल जिहड़ा इत्थे पीसफुल जिहड़ा धरना चल रहा सीगा। बहुत वारी प्रशासन ने मीटिंगां भी कीतियां पर कोई हल नहीं निकल रहा। कैंसर सारे नु हो रहा हैगा, बीमारियां लग रही ने। और बीमारी का पैसा कौन देंदा? असी पल्ले तो भरते हैं, सानू फैक्ट्री वाला कोई पैसा नहीं देंदा। 12,000 सैलरी है, असीं दो न्याणे किस तरह घर का गुजारा करिए। इन्हां ने मजबूर किया सानू उरे बैठण दो, अपने बच्चों की पढ़ाई भी असीं अच्छे स्कूल च नहीं पढ़ा सकते। इन्ना बुरा हाल किया वा इन्हां ने साडा, असीं की करिए उरे बैठ के दसो जी। असीं धुप्प च बैठे साडे न्याणे छोटे छोटे बच्चे। ये की है ये अंदोलन 10 साल हो गए भखते नूं भी साडियां तनखां वधाओ, जदकि इन्हां दी 45 रुपए तो बोतल 55 रुपए हुई, 55 रुपए तो अज 95 रुपए हो गई बोतल। अज महंगाई इन्नी वध गई पर वर्करां दी तनखां 10-12 हज़ार से उत्थी खड़ियां ने। ये बहुत शर्मसार गल आ भी जिहड़ियां साडियां सरकारां ने कारपोरेटर का पक्ष पूर रही ने, जिहड़ियां इन्हां दीआं नीतियां पॉलिसियां नूं लागू कर दियां ने। इत्थे गल साफ हो रही आ कि 7 तों 8 हज़ार रुपये नूं एक जिहड़ा नौजवान उरे कम कर रहा पर उह घट्टो घट्ट 25 तों 30 हज़ार रुपया जिहड़ी उहदी सैलरी चाहीदी आ महीने दी। जद साडे वाले बंदे उत्थे बोलदे ने जिहड़े गैर स्टेट तों बंदे लिया के मैनेजर रखे हुए ने, जां उह बंदे वर्करां दे गल पैंदे ने, मावां भैणां दीआं गालां दा कढ़दे ने, इत्थे तक भी उन्होंने डंडे भी दिखाते हैं। सो असी कोकोकोला फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं जिथे कंधारी वीकरेज वर्कर ट्रेंड यूनियन का धरना है नवीपुर के चल रहा। तुसी देख रहे हो अज प्रशासन नाल डीसी साहब नाल मीटिंग सी, लग रहा सी कि कोई नतीजा है जिहड़ा निकलूगा। मीटिंग सवेर तो चल रही है पर मीटिंग है जिहड़ी बेसिट्टा रही। वर्करां वल्लों नैशनल हाईवे जाम करन दा सद्दा है जिहड़ा दित्ता वा, मेन हाईवे है जिहड़ा दिल्ली तो अमृतसर जांदा है, वह नैशनल हाईवे जाम करन दा जिहड़ा सद्दा है कॉल आ दित्ती वी आ। सो कहा जा रहा है जे मीटिंग बेसिट्टा रही है तो रोड जाम किया जाऊगा, मीटिंग बेसिट्टा रही है। सो वर्कर ने जोड़े बैठे ने हूँ अगली कार्रवाई है जी रोड रोकने की कीती जा रही है। पुलिस प्रशासन है जोड़ा वो भी पहुँच गए। सो वर्कर वालों नैशनल हाईवे जाम कर जोड़ा ऐलान है वह कर दिता गया है। धरने तो बैठे वर्कर हूँ कुछ ही समय के बच्चे इतों उठ के रोड वालू चाले पागे। देखना हूँ यह होगा कि रोड पर पहुँचते हैं ज प्रशासन रोकता है उन्होंने की अगे कि कार्रवाई होंगी आ, कि रोड रोकन दिता जाऊगा, ये तो हूँ आने वाला टाइम ही दसूगा। पर वर्कर ने जोड़े वो इतों चलने तैयार ने, कुछ समय च वर्कर चाले पागे नैशनल हाईवे के बल। पुलिस प्रशासन है जोड़ा वो भी इतने तैनात आ। सो देखना हूँ यह होगा कि वर्करा रोड रोकन दिता जाता है ज नहीं, देखते हैं अगे की कार्रवाई की होंगी। प्रशासन रोकता है जाए जो कॉल दिती है उसते खरा उतरते हैं, रोड रोक पाते हैं क्योंकि तकरीबन एक महीने तो इन्हों का धरना है जोड़ा इतने चल रहा है। कोकोकोला फैक्ट्री के बाहर नवीपुर के साधुगढ़ फतेहगढ़ साहब का एरिया है, साधुगढ़ पिंड पैंदा है, नवीपुर पिंड के बच्चे फैक्ट्री आ साधुपुर अड्डे के नाल बिल्कुल। सो रोड रोकने की कॉल आ जी दी गई है, डीसी साहब नाल सवेर तो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग बेसिट्टा रही है। सो हुण रोड रोकने की कॉल आ जी दी गई आ, इन्हां दा साथ देने लई वख-वख पिंडां तो इत्थे जिहड़े किसान ने जां जिहड़े लोक ने उह पहुंचे ने, किसान जथेबंदियां पहुंचियां ने, होर भी जिहड़े वर्कर ने उह इत्थे पहुंचदे ने, वख-वख यूनियनां पहुंचदियां ने, आंगनवाड़ी वर्कर ने जिहड़े उह भी पहुंचदे ने, बीबियां पहुंचदियां ने। इत्थे वड्डे काफले ने जिहड़े उह वधदे जा रहे ने। हुण देखना तां इह होऊगा कि प्रशासन आ जिहड़ा इन्हां नूं रोड ते जाण दिंदा है जां नहीं। पुलिस प्रशासन दे काफले ने जिहड़े उह भी इत्थे पहुंच चुके ने, पुलिस प्रशासन इत्थे पहुंच चुकी आ। सो प्रोफेसर धर्मजीत सिंह जलबेड़ा ने जिहड़े उह बोल रहे ने। सो हुण देखते हैं कि इन्हां नूं अगे रोड ते जाण दित्ता जांदा जां नहीं।
मैं बेनती कर दिया अत्तर सिंह खेड़ा सिर्फ दो मिनट उस तो बाद सरपंच धर्मिंदर सिंह उस तो बाद अगली रणनीति है जिहड़ी वो एक्शन शुरू हो जाना है। गुरविंदर सिंह जुगनी जुगनी ग्रुप वाला वीर वड्डा जथा नौजवानों का लेके पहुंचे है अत्तर सिंह खेड़ा दस वर्कर ने जो पंडाल बैठे बाकी जो वर्कर ने रोड वाल जाएंगे रोड रोकने के लिए जो चाले ने पा दिते गए ने कोका कोला दे वर्करां वालों जो धरने ते सीगे उन्हां वालों सो बड़ी गिणती च बड़े इकट्ठ ने जिहड़े वो मेन नैशनल हाईवे आ जिहड़ा दिल्ली तो अमृतसर जांदा उसनूं रोकण दे लई चाले ने पा दित्ते गए ने क्योंकि मीटिंग सीगी प्रशासन दे नाल डीसी साहब दे नाल कहा जा रहा सी मीटिंग करके हल आ जिहड़ा वो कढ लिया जाऊगा कोई हल नहीं निकलदा ठोस हल नहीं निकलता कोई मंगा ने जिहड़ियां वो पूरियां नहीं हुंदियां तो उस दे लई जिहड़े चाले ने वो पा दिते गए ने वर्करां दे वल्लों पुलिस प्रशासन दीआं टीमां भी नाल ने टुकड़ियां नाल ने पैरामिलिट्री फोर्स दीआं टुकड़ियां नाल ने सो कोका कोला ट्रेड यूनियन दे वर्करां वल्लों जिहड़े मेन हाईवे वल चाले पा दिते गए ने सो तुसीं देख रहे हो तस्वीरां पंजाबी लोक चैनल ते कट दिखा दो पूरा सिरे तक रोक के दिखा दो एक बार अगे अगे पुलिस प्रशासन जा रहे थे पिछे पिछे ने जोड़े वो वर्कर ने वो जा रहे ने पिंडा दे लोग ने यूनियन ने सो जो सपोर्ट करने वर्कर पहुँचे ने वो जा रहे ने रोड जाम करने के लिए चाले ने जोड़े वो पा दिते गए ने एक महीने का टाइम हो गया तकरीबन धरना है जोड़ा वो कोको कोला फैक्ट्री के बाहर चल रहा सी मसले का कोई हल नहीं निकलिया सो चाले ने जड़े और रोड जाम करने दे लई पा दिते गए ने तुसी तस्वीर पंजाबी लोक चैनल ते देख रहे हो नारेबाजी है जिहड़ी वो कीती जा रही है तकरीबन एक महीने तो साइड ते फैक्ट्री दे साइड ते बाहर धरना चल रहा सी रोड छड्ड के जिहड़ा धरना सी वह चल रहा सीगा कहा जा रहा सी साडियां मंगां मन्नियां जाण जायज़ मंगां ने जिहड़ा ओवर टाइम लगे 2015 तो 2023 तक वो सानू दिता जाए तो जिहड़े 12 वर्कर ने कढे गए ने उन्हां नू बहाल किया जाए 10,000 रुपया तनखाह च वाधा किया जाए ये मंगां नू लैके धरना चल रहा सी पर एक महीना हो गया कोई हल नहीं निकलिया कोई हल नहीं निकलता जिसनू देखते हुए बड़े इकट्ठ करके इलाके ऐलान करके रोड रोकने की कॉल दी गई जो कॉल दी जाती है तो प्रशासन मीटिंग करने के लिए आता है प्रशासन वालों मसले को हल करने का कहा जाता है कि तुम रोड जाम ना करो असी जो मसला है उन्होंने हल कर लेंगे पर सवेर तो मीटिंग चल रही है डीसी साहब नाल मसला हल नहीं होता उस तो बाद जो चाले ने वो नैशनल हाईवे जाम करने लिए पा दिते गए ने अगे अगे पुलिस प्रशासन जा रहा है सो जड़ियाँ टीम ने पुलिस प्रशासन दिया वो अगे ने सो उच्च अधिकारी अगे ने SP साहब DSP साहब तो होर अधिकारी ने जोड़े वो पहुँचे ने सो बड़ी गिनती च वर्कर ने जोड़े वो रोड रोकने के लिए चाले पा चुके ने एक महीने तो धरना चल रहा सी तुसी देख रहे हो तस्वीर इतों दिखा दो एक बार साइड पर पूरा इकट्ठ दिखा दो क्योंकि जरूरी आ इकट्ठ दिखा पता लगे कि किन्ना का इकट्ठ आ किन्ने क लोग ने जोड़े इन्हों मंगा दे नाल सहमत ने इन्हां दे इकट्ठ तो ही पता लगना है इन्हां दा इकट्ठ आ जिहड़ा दिखा दिता जाए क्योंकि रोड जाम करन दे लई चाले ने जोड़े वो कोको कोला दे वर्करां वालों जो धरने ते बैठे सी उन्हां वालों पा दिते गए ने बड़ी गिनती दे विच इलाके दीआं संगतां ने किसान यूनियनां ने जां होर जथेबंदियां ने वो सपोर्ट करन लई इत्थे पहुंचियां ने सो जो गलत तरीके नाल पहुँचते ने अगे हो जाओ सो पुलिस प्रशासन वालों उन्होंने रोकया जा रहा है सो थोनू तस्वीर दिखा रहे हैं प्रशासन वालों रोकने के लिए जिहड़ी बैरीकेडिंग है वो की गई है उन्होंने रोकने के लिए प्रशासन ने अपना जिहड़ा वो किया सो प्रशासन के नाल धक्का मुक्की प्रशासन का नाका जिहड़ा तोड़ के
जो धरनाकारी ने अगे बढ़ रहे हैं। सो अगे आ जाओ तो पुलिस प्रशासन का धरना है जोड़ा वो तोड़ दिता गया है। उधर दिखा दो उधर, सो इधर दिखा दो पुलिस प्रशासन का धरना है जोड़ा वो तोड़ दिता गया है। रोड है जोड़ा वो जाम कर दिता गया है। तुम देख रहे हो तस्वीर तो रोड है तो गड्डिया ने जड़िया वो रोक दी गई ने। नैशनल हाईवे है जोड़ा दिल्ली तो अमृतसर जाता है नैशनल हाईवे, इतने खड़ के दिखा दो सारा वो जाम कर दिता गया ये चढ़ जाओ। सो दोने साइडा तो जड़े कोको कोला के वर्कर ने पहुँच चुके ने। सो रोड है वो जाम कर दिता गया है। तुम देख रहे हो तस्वीर गड्डिया रोक दी गई ने। प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, प्रशासन ने अगे नाका लगा के रोकने की कोशिश की पर प्रशासन का नाका तोड़ के धरनाकारी ने जोड़े वो रोड पर पहुँच चुके ने। सो रोड है जोड़ा वो जाम कर दिता गया है। सो तुम तस्वीर पंजाबी लोग चैनल पर देख रहे हो। सो रोड है जोड़ा वो जाम कर दिता गया है। बड़ी गिनती जोड़े इलाके के लोग ने किसान जथेबंदियां ने। सो बीबिया ने साढ़े नाल आंगनबाड़ी वर्कर प्रधान ने जोड़े वो पहुंचे ने। हाँ जी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी। मैं सूबा प्रधान आंगनबाड़ी मुलाजम चुनिया जी। इधर कैमरे वाल मूँह कर लो जी। हाँ जी किस तरह देखते हो जी, एक महीने तो धरना चल रहा है कोई हल नहीं निकलिया तो अज रोड जाम करना पे जी। इतने आके बैठे ने तो प्रशासन अगे आया जी, मीटिंगा भी शुरू हुई ने। किस तरह देखते हो? देखो बहुत जड़ा हलीमी दे नाल बिल्कुल जड़ा इतने पीसफुल जड़ा धरना चल रहा सी। बहुत बारी प्रशासन ने मीटिंगा भी कीतियां पर कोई हल नहीं निकल रहा। तो मंग बहुत छोटी जी है क्योंकि इत्थे दे जिहड़ी पंजाब है पंजाब दी सरकार है वड्डे वड्डे वादे करदी है बई मैं मुलाजमां वास्ते मजदूरां वास्ते बहुत कुछ सोच रहा। इत्थे दी जिहड़ी मैनेजमेंट है वह इन्नी ढीठ है वो किसी प्रशासन की एड्डी ये नहीं हैगी। एड्डी बड़ी ताकत है प्रशासन की वह रात नू एक मिनट की कुछ कर सकता है पर इत्थे दा जिहड़ा साडा पानी है वह तो मैनेजमेंट दे जिहड़ा साडा प्रशासन उहदे अंडर है। नाल ही जड़ी जगह वह भी साढ़े फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है तो बहुत छोटिया मंगा ने। 10,000 रुपया मंग रहे ने मजदूर जड़ी 15,000 के नाल गुजारा करना बहुत औखा। तुसी देखे ही है एक साढ़े जड़े मुलाजम लड़ रहे थे अपने हकों की खातर उन्होंने बहाली करनी बहुत छोटी जी गल है एड्डी वड्डी कोई गल नहीं हैगी। जेकर असी उन्हों की पहला भी मदद की आंगनबाड़ी मुलाजम यूनियन ने अपने हकों की भी लड़ाई लड़ी असी हमेशा जित के निकले हैं। असी इन्हों के नाल खड़े हैं खड़े रहेंगे। जेकर अज भी कोई साडा फैसला नहीं होंगे साड़ी आंगनबाड़ी मुलाजम यूनियन सारी फतेहगढ़ की A to Z इन्हों की उम्मीद के विच है इन्हों के हकों के विच है। साडा जी है कैंसर सारे नू हो रहा है बीमारियां लग रही ने और बीमारी का पैसा कौन दिता? असी पल्ले तो भरते हैं सानू फैक्ट्री वाला कोई पैसा नहीं दिता। साडा ये फैक्ट्री बंद करो साडा यही हथ बन के जो बेनती है बस एक सौ भैन ने छोटे बच्चे लेके आए। हाँ जी भैन जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। की नाम है जी? जसप्रीत कौर। भैन जी तुम इन्नी धुप्प च इन्नी गर्मी छोटे बच्चे लेके पहुंचे हो की लग रहा है की मुसीबत ने की मुश्किल ने थोनू छोटे बच्चे लेके? मेरे हसबेंड 2009 दे लगे हुए ने 12,000 सैलरी है असं दो न्याणे किस तरह घर का गुजारा करिए। इन्होंने मजबूर किया सानू उरे बैठन दो अपने बच्चों की पढ़ाई भी असं अच्छे स्कूल च नहीं पढ़ा सकते इन्ना बुरा हाल किया वा इन्होंने साडा असं की करिए उरे बैठ के दसो जी असं धुप्प च बैठे साडे न्याणे छोटे छोटे बच्चे इन्ना बुरा हाल है। कह रहे हैं कि असी जायज़ आ बिल्कुल जायज़ आ जिहड़ियां भी गल्लां कीतियां जा रही ने वह असी जायज़ तनखाहां दिंदे आ। सो कोर्ट च केस चल रहा केस चलते जिन्ना चिर केस चल रहा सी इहदा कोई हल नहीं करदा उन्हां नूं जायज़ लग रही है ना साढ़े असी 12,000 लैंदे वह भी 12,000 लो ना तां मन्ना जायज़ है वह भी अपने घर दा 12,000 नाल गुजारा करो ना वह क्यों लख लख तनखाहां ले रहे हैं जद जायज़ कित्थे गईआं बस जी। सो भैन ने भावुक हो गए ने कहिंदे ने कि साडा घर का गुजारा भी मुश्किल है 12,000 रुपए नाल। सो होर भी वीर ने जिहड़े तरपिंदर सिंह सरपंच ने नबीपुर तो। हाँ जी नबीपुर तो तरपिंदर सिंह सरपंच ने। हाँ जी सरपंच साहब वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। किस तरह देखते हो जी
एक महीना हो गया वर्कर फैक्ट्री के अगे साइड से धरना लगाई बैठे सके, गलबात नहीं होंगी, पर जो कॉल दी जाती है रोड रोकण की तो वर्कर के नाल मीटिंग स्टार्ट हो जाए ने, इन्हों डीसी दफ्तर बुलाया जाता है पर सिटा नहीं निकलता। यह जान बुझ के जी जो अंदोलन है इन्हों का फैक्ट्री वालों का, उन्होंने कमजोर किया जा रहा, लंबा पाया जा रहा, हफ्ते हफ्ते का टाइम लेके अज 30 दिन हो गए, कोई मंगा देखो ये तो है नहीं भी उन्होंने फैक्ट्री के बीच हिस्सा मंग लिया या कर लिया इन्होंने, क्योंकि मैं आप गवाह है साड़ी पंचायत नाल बड़े बड़े वादे किए ने भी आह कर देंगे वह कर देंगे, इलाके दल के पंचायतों नाल बड़े वादे किए ने, पूछ लो सारे सरपंचों को बुला के पूछ लो भी जिहड़े जिहड़े वादे कंपनी ने किए थोड़े नाल इन्होंने पूरे किए, वादे क्यों करते हैं सरपंचों को बुला के भी कोई सरपंच साढ़े खिलाफ आवाज़ ना चके, उम्मीद के बच्चे वह जिंदा रहा भी कोई नहीं कर अच्छ कम करते कल कम करते ऐ करते हैं। दूजी आई गल फैक्ट्री अंदोलन की, यह की है ये अंदोलन 10 साल हो गए भाखते भी साढ़िया तनखा बधाओ, जबकि इन्हों की 45 रुपये तो बोतल 55 रुपये हुई, 55 रुपये तो अच्छ 95 रुपये हो गई बोतल, अज महंगाई इन्नी बद गई, पर वर्कर की तनखा 10-12 हज़ार से उत्थी खड़िया ने, उत्थी खड़िया ने तनखा, बाहरों बंदे लिया लिया के बाहरले स्टेट के बंदे लिया लिया के ये उत्थे 18-18 हज़ार से 25-25 हज़ार से रख रहे हैं, पर जब साढ़े वाले बंदे उसे बोलते हैं जेडे गैर स्टेट तो बंदे लिया के मैनेजर रखे हुए हैं जो बंदे वर्कर के गल पेंदे ने मावा भैन दलों का कड़ते हैं, इतने तक भी उन्होंने डंडे भी दिखाते हैं, वो अंदर रिकॉर्डिंग हुई उन्होंने रिकॉर्डिंग भी डिलीट करती उदा जिदा चौंकी रिपोर्ट हुई है नवीपुर, उस बाद फिर एक मुद्दा होया जान बुझ के जेडे उन्होंने ठेकेदार अंदर भर्ती किए हुए जहाँ काम दे रहे हैं उन्होंने तो फिर पंजाबियों को गाला कटाते हैं, वो जान के भइए जे अंदर लगे वो टोंटिंग करते हैं, वो गाला के रूप के बोलते हैं टोंटिंग के पंजाबी भी ये साढ़े तो हाथ चके इन का काम बधे, ये मैनेजमेंट इन्नी बेशर्म हो चुकी है, ये ऐसी कोझिया कोझिया चालां चक के ये वर्करों को भड़काउंदियां ने, जबकि फिर भी असं प्रशासन बार बार हाथ जोड़ के बेनती करते रहे भी जोड़े वर्कर ने इलाके दियां मुश्किलों ने वो हल की जान पहल के आधार से 10-12 हज़ार तनखा के आप भी सोचो चाहे मैं भी हाँ मैं गुजारा नहीं कर सकता 10-12 हज़ार के बड़ा अज बड़ा घिनौना है जी सरमाएदारियां फैक्ट्रिया ने यह वर्करों के नाल इतने धक्का हो रहा पंजाबियों पर पंजाबी बाहर जाने मजबूर क्यों ना हो जाते चंगे भविख लिए बाहर जाते हैं जे ये चंगिया तनखा देन फिर बंदा बाहर क्यों जाए, ये देखो अज 12-14 हज़ार ये नहीं है भी साल 2 साल का लग्या हो मजदूर रौला पावे असं भी कहने नजायज़ है, पर मजदूर 20-20 साल हो गए 15-15 साल हो गए उन्होंने तनखा 12-12, 14-14 हज़ार ने जी, हुण तुसीं दसो परिवार कई घर जाना कुड़ियां ब्याहुण वाली बैठिया किसी दो आ किसी 3 ने बाले टुटे पे ने मकाना दे नहीं बदले जा रहे उन्हां तो रुजगार कितों चला लेंगे अपने घर का, यह बहुत माड़ी इन्हों की चाल हल्क हरकत है इन्हों की बहुत ज्यादा, कितना कितने साढ़े पंजाबी ने जोड़े उन्होंने भी एका नहीं हो रहा जी, कुछ तो इन्होंने वर्कर ने जोड़े धरने लगा रहे हैं पर कुछ वर्कर ने जोड़े अंदर काम भी कर रहे हैं, एक आडियो भी वायरल होंगी है वो खरीदण दियाँ भी असं नहीं पुष्टि करते पर सूँ आडियो दिती गई है कि वर्करों खरीदण दियाँ चाला ने जोड़िया वो चलिया जा, देखो जी उन्होंने बड़े अधिकारियों का बिच नौ लिया उन्हें उपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जे साडे वर्गा कोई गल कह दे कर दे तो सानू दबके भी आ रहे हैं, सानू दबके भी आ रहे हैं क्या रहे हैं जी, हाँ ये आ रहे हैं पर ये साडे पर तो यह चीज़ा होंदिया ने उहदे उपर हले तक कार्रवाई नहीं हुई, जिन्हें गल कही आ भाई भी डीसी नू जां फलाने नू अभी 2-2 लाख प्रशासन बनता उन्होंने पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो इतों तुम साफ समझ लो भी प्रशासन कि फैक्ट्री प्रशासन है जरा कि ताकत रखता भी वह बंद जो शह दे रहा आम बंद का कोई कहा तो नहीं है भी एडे एडे अफसर का नाम ले दे जो उन्होंने पुछा कोई कहा रहा वो तो ही ले रहा ना, रही गल उन्होंने काम करने की अंदर हरेक समाज के हरेक कौम के हरेक धर्म के कुछ गदार लोग होंगे ने जिहड़े अंदोलनों लंबा करने के ढा लाने कोझी कोशिशें करते हैं, असी तो उन्होंने इन्हों का नाम शामिल करांगे भी ये गदार ने इलाके दे, क्योंकि देखो कलू जब ये बंदे इतने नहीं रहने तो धक्का हौली हौली जब अंदर प्रवासी बंदे बढ़ते जाने धक्का उन्होंने नाल भी होना और कलू अपनी आवाज़ नहीं चक सकते फिर उत्थे हक सच की, पर थोड़े नवीपुर की गल करिए असी पिंड च भी गए हैं लोग तो कह रहे हैं बंद होनी चाहिए फैक्ट्री साढ़े लिए तो यह नरक है, बिल्कुल मैं हमें इतने बोल के आया भी ये अंदोलन है भाई तुम अपनी मंगा का ली बैठे हो जे 10-12 हज़ार से कम करने कामे ने अज साडे पिंड कम चल रहा मिस्त्री लगे हुए हैं लेबर लगे ने 18-18 हज़ार तो कमाई जा रहे नाले किसी का दबाओ नहीं चाह भी टाइम सर मिलना भी चाह दे दो भाई चाह भी अलम टाइम से देनी है इतने हरेक चीज़ का समय टाइम बनना कोई बंदा इदा नहीं भी इधर अपनी मर्जी ने जाया आऊगा पूरा डिसिप्लिन के रहना हों फिर भी 12-12 हज़ार तनखा ले रहे हैं, फिर दूजा इन्हों जो TA DA होंगे वो नहीं मिल रहे जो अलाउंस होंगे भत्ते होंगे त्यौहारों के वो नहीं चंगे मिल रहे, इतने सिक्योर फैक्ट्री बहादुरगढ़ 4 साल बाद बंदे FTC करके उन्होंने पक्का कर देंगे ने
तो 8 सालों के वे बंदे की तनखाह 20 से 25 हज़ार वो तनखाह हो जाती 8 सालों के एस्कॉर्ट फैक्ट्री के नैस्ले कंपनी के बंदे आए वो 50-50 तनखाह दस रहे हैं। हिंदुस्तान वाले आए वो दस रहे हैं भी साढ़िया 55-55 तनखाह ने, पर यही फैक्ट्री है, यही फैक्ट्री तो जो 23-23 साल तो 20-20 साल तो कम कम करते उन्हें तनखाह 10-12 क्यों ने, ये सोचने वाला विषय है। इतने भावुक होगी, कहते दो बच्चे ने साडा तो गुजारा भी नहीं चल रहा घर का, जो लख लख लै रहे 12,000 तो गुजारा कर। मैं कहना जी इतने अपना इन्हों का जो डायरेक्टर बनाया अनिल शर्मा वो 3 लख से आया सी, अज उसकी तनखा 12 लख है जी, 12 लख तनखाह है अज उन्होंने बंद, जबकि मशीनों की झाड़ चढ़ाई साफ सफाई संभाल मत्था टेक के मशीन चलाना कि चलाना वर्करा ने चलाना ना, फिर काम तो इन्होंने करना लखा रुपया कड़ के प्रोडक्शन तो इन्होंने देना उन्होंने, जब उन्होंने हके नहीं सबूते है फिर कितने जाएंगे, इस करके आओ जी ये जो हक ने ये हक इन्हों मिलने चाहिए जो इन्होंने हक ने। हाँ धन्यवाद जी, हक ने जो कहते मिलने चाहिए ने, सरपंच नबीपुर तो तरपिंदर सिंह ने बाई वो कहते जरूर हक मिलने चाहिए ने, पर पिंड नबीपुर के भी असी गए पिंड वाले कहते हैं कि फैक्ट्री बंद होनी चाहिए है, सानू नरका साढ़े बीमारियां फैल रही ने, पानी खराब हो रहा है, पर प्रशासन नाल अज मीटिंग सी, मीटिंग बेसिट्टा रहिंदी आ, कोई हल नहीं निकलता। उस तो बाद जिहड़ा धरनाकारी ने वो रोड ते आउंदे ने, पुलिस प्रशासन वल्लों रोकण दी कोशिश कीती गई, अगे वैरीगेटिंग करके नाका लगा के रोकण दी कोशिश कीती गई, पर पुलिस दी वैरीगेटिंग आ नाका ही जिहड़ा तोड़ के जिहड़े धरनाकारी ने जिहड़े कोको कोला फैक्ट्री दे वर्कर ने वो रोड ते पहुँच जांदे ने, सो रोड जाम किया गया, पुलिस प्रशासन वल्लों गल्लबात जारी आ, रोड खलवाउण दीआं जड़िया कोशिशा ने वो कीतियां जा रही ने, प्रशासनिक अधिकारी ने जोड़े वो इतने पहुँचे ने रोड खुलवाने दी कोशिशा जड़िया कीतियां जा रही ने, SP साहब पहुँचे ने, DSP साहब पहुँचे ने, रोड खुलवाने दी तैयारियां ने जड़िया वो कीतियां जा रही ने, गलबात जारी आ। सो तुसी देख रहे हो तस्वीर पंजाबी लोक चैनल ते, सो रोड खुलवाने लई गलबात आ जी उच्च अधिकारियों वालों की जा रही है, क्योंकि नैशनल हाईवे है ये रोड है जोड़ा, बड़िया दिक्कत लोगों को आदि ने जे रोड जाम हों, इसलिए गल की जा रही है रोड खुलवाने लई प्रशासनिक अधिकारियों के वलों, लगता है कि मसले का हल आ जोड़ा हो चुके है, रोड है जोड़ा खुलवा लिया गया है, लग रहा है कि मसले का जोड़ा वो हल हो गया है, प्रशासनिक अधिकारी ने जोड़े रोड तो साइड पर लोगों कर रहे हैं कितना कित गलबात राही हल है जोड़ा वो निकलता दिख रहा है, रोड तो खुलवा लिया गया, पर जिहड़ियां इन्हां दीआं जायज़ मंगां ने कि वह पूरियां हुंदियां ने, आने वाला टाइम ही दसूगा, धरना किन्ने दिन चलता है, किदां सिस्टम हुंदा है, ये तो हुण देखना होगा, फिलहाल रोड तो साइड ते कीता जा रहा है जिहड़े धरनाकारी रोड ते पहुंचे सीगे। सो तुसी देख रहे हो तस्वीरां, रोड खाली आ जिहड़ा करवा लिया गया है प्रशासन वल्लों, SP साहब नाल भी गल करन दी कोशिश करांगे जी, SP साहब नाल गल हुंदी आ। सो रोड आ जिहड़ा खाली करवा लिया गया है, सो रोड आ जिहड़ा बिल्कुल खाली करवा लिया गया है, हल आ जिहड़ा वो निकल चुका है। हाँ जी सर, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह जी, फतेह। हाँ जी सर, किस तरह हल निकले जी, रोड आ जिहड़ा खाली, उन्होंने दस दस दिता उन्होंने गल दा, वो कहिंदे साडियां मंगां सीगियां, उन्होंने रोड तो पास होकर गल करो, जिहड़ी गल करनी हैगी गल ठीक है ना, गल बन गए साइड ते गल गलबात कर रहे सी उन्होंने नाल जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, रोड आ जिहड़ा वो खाली करवा लिया गया है, जिहड़ियां जायज़ मंगां ने वो कहिंदे साइड ते होके गल करो, रोड आ जिहड़ा वो खाली कर दिता जाए, फिलहाल मंगां कदों पूरियां हुंदियां ने तां आने वाला टाइम ही दसूगा, फिलहाल तुसीं बने रहो पंजाबी लोक चैनल दे नाल, कैमरामैन जतेंद्र टिवाणा दे नाल मनविंदर सिंह टिवाणा, पंजाबी लोक चैनल फतेहगढ़ साहब। सो प्रशासन ने रोड तो जिहड़ा खाली करवा रहा, गलबात की रोड खाली करवा लिया गया, पर धरना है जिहड़ा हुण कोको कोला फैक्ट्री के गेट के अगे लग गया, दरिया बसा लई गई ने, तुसीं देख रहे हो तस्वीर, बीबिया बैठिया ने, वर्कर बैठे ने, दरिया ने जिहड़ियां गेट के अगे बसा लई गई ने, क्योंकि एक साइड पर जिहड़ा धरना सीगा वो एक महीने तो चल रहा है, एक महीना पूरा हो गया, भुख हड़ताल से भी जिहड़े वर्कर ने वो बैठे रहे ने, पर मसले का हल नहीं निकलिया, DC साहब नाल मीटिंग भी सी, गलबात करन दी कोशिश की, पर उहदे नाल भी कोई हल नहीं निकलिया, रोड ते गए प्रशासन के कहे तो रोड तो खाली कर दिता, क्योंकि आने जाने वाले जिहड़े राहगीर ने जरूरी एयरपोर्ट जाना हुंदा, किसी ने जरूरी हॉस्पिटल जाना हुंदा, रोड जाम करन दे नाल आम पब्लिक नूं दिक्कत आउंदियां ने, ये कहे तो रोड तो खाली कर दिता गया, पर धरना है जिहड़ा कोको कोला फैक्ट्री के गेट के अगे लगा दिता गया है। सो हरिंदर जी किस तरह देखते हो तुसीं?
एक महीना हो गया वर्करां नूं अपनी मंगां मनवाउण दे लई साइड ते धरना चल रहा सी। अज रोड रोकण दी कॉल दित्ती गई जिस तों बाद प्रशासन ने उत्थों तां हटाते साइड ते पर गेट रोक लिया गया। किस तरह देखदे हो इस सिस्टम नूं ते मैनेजमेंट नूं कोकोकोला दी नूं? देखो इन्हां दी अज मीटिंग थी ए डी सी मैडम नाल हुई आ पर उहदा कोई सिट सिटा नहीं निकलिया। इन्हां ने प्रोग्राम तय करिया वा तां रोड रोकण दा, पर रोड रोकण ते इन्हां ने विचार करी भी आपां लोकां नूं नाराहगीरां नूं तंग करिए, आपां आ के सिर्फ जिहदे नाल साडी लड़ाई आ उह गेट नूं बंद करिए। इन्हां ने इस तरह करिया आ के इस कोकोकोला फैक्टरी दे नूं गेट बंद करता। ये बहुत शर्मसार गल आ भी जिहड़ियां साडियां सरकारां ने कारपोरेटर दा पक्ष पूर रहियां ने, जिहड़ियां इन्हां दीआं नीतियां पॉलिसियां नूं लागू करदियां ने। इत्थे गल साफ हो रही आ कि 7 to 8 हज़ार रुपये नूं एक जिहड़ा नौजवान उरे कम कर रहा पर वो घट्टो घट्ट 25 to 30 हज़ार रुपया जिहड़ी उहदी सैलरी चाहीदी आ महीने की। जो इन्हां नूं 2015 तो इन्हां दा जिहड़ा ओवर टाइम के पैसे रहिंदे उह रहिंदे ने 10 हज़ार रुपये तनखाह दे विच वाधा कहिंदे ने। मामूली मंगां ने, कोई वड्डियां मंगां नहीं है। सरकार नूं इह बहुत छेती इन्हां नूं दबाव पा के जिहड़ा कोकोकोला फैक्टरी के मालक पर यह छेती तो छेती मनाउणियां चाहीदियां इन्हां दा। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਰੀਆਂ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਵਸਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਕੋਕੋਲਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਕੋਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ ਪਰ ਗੇਟ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ? ਗੇਟ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੇਟ ਪੱਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਮੂਰੇ ਪੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਦੇਵੇ, 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਖੁੰਝਦਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ? ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ? ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭੈਣੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਤੇ ਤਪਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ
ਦਾ ਮਾਲਕ 12000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਝੇ 'ਚ 12000 ਰੁਪਏ ਗਏ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਰੋਡ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੋ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ